दोस्तों, मेरा YouTube चैनल टीचिंग फॉर मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2, क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में, इसमें एक्सरसाइज 10.2 के इंट्रोडक्शन में है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्किल, यानी कि एक पॉइंट से कितने टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं एक सर्किल पे। ठीक है, तो इसके कई केसेस हो सकते हैं। मान लेते हैं कि ये एक सर्किल है, मान लेते हैं क्या ये सर्किल है। ठीक है, ये सर्किल है, तो इसमें टेंजेंट्स खींचने के लिए हम पॉइंट को कह रहा है कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से टेंजेंट्स टू ए सर्किल। तो पॉइंट कहां हो सकता है? या तो सर्किल के अंदर हो सकता है, या फिर सर्किल पे हो सकता है, या सर्किल के बाहर हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन केस हो सकता है। पॉइंट कहां हो सकता है? तो या तो वो सर्किल के इनसाइड हो सकता है, या फिर ऑन द सर्किल हो सकता है, या फिर आउटसाइड द सर्किल हो सकता है। कहीं भी इनसाइड द सर्किल यहां ले लो, ऑन द सर्किल यहां ले लो, आउट द सर्किल यहां ले लो। ठीक है, यानी कि हमारे पास तीन केस अराइज होते हैं कि पॉइंट कहां हो सकते हैं। तो पॉइंट हो सकता है इनसाइड द सर्किल, हो सकता है ऑन द सर्किल, और हो सकता है आउट द सर्किल। ठीक है, तो हम तीनों केस पे विचार कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट इनसाइड द सर्किल है। तो क्या हम इनसाइड द सर्किल, पॉइंट जो है इनसाइड द सर्किल है, तो इस पॉइंट से क्या हम कोई टेंजेंट खींच सकते हैं? ये हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हम यहां से एक लाइन खींचते हैं। तो ये हमारा क्या कर रहा है, लाइन सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कर रहा है मीन्स टेंजेंट तो वो है जो इंटरसेक्ट ना करें, केवल सर्किल को छू के जाए या केवल टच करके जाए। ठीक है, और एक ही पॉइंट पे इसे इंटरसेक्ट करे सर्किल को। टेंजेंट वो है, अभी पीछे मैं बता चुका हूं कि टेंजेंट किसको बोलते हैं, जो सर्किल को केवल छू के जाए, सर्किल को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। ठीक है, सर्किल को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, जैसे ये है, यहां से चला गया, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, सर्किल के किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो ये हमारा टेंजेंट है। ठीक है, और यहां क्या किया है हमारा, ये जो लाइन खींचे हैं, इस पॉइंट से जो लाइन खींचे हैं, ये क्या किया, सर्किल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। इंटरसेक्ट करना मतलब काटना। ठीक है, तो ये लाइन जो हम खींच दिए हैं, तो ये सर्किल को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं इस पॉइंट से हम यूं खींच दें, ये भी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लेते हैं इसको ऐसे खींच दें, तो ये भी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये लाइन इस पॉइंट से जब जा रहा है, तो कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि सर्किल को ये सब क्या करता है, दो जगह पर इंटरसेक्ट करता है। जब दो जगह पर इंटरसेक्ट करता है कोई लाइन, तो ये टेंजेंट नहीं कहला के क्या कहलाता है, ये हो जाता है सीकेंट। ये लाइन फिर क्या हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा। उसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा। यानी कि हम कोई भी लाइन किसी भी तरह से सोचो, किसी भी तरह से हम इसको ले जाए, तो ये टेंजेंट नहीं होके क्या हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा। ठीक है, सीकेंट हो जाएगा, क्योंकि सीकेंट दो जगह पर सर्किल को इंटरसेक्ट करता है। तो हम इनसाइड द सर्किल पॉइंट लेके हम कोई भी टेंजेंट को नहीं खींच सकते। यदि पॉइंट सर्किल के इनसाइड हो, सर्किल के अंदर में यदि कोई पॉइंट हो, तो हम कोई भी टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं। ये हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे, एक कंक्लूजन पर पहुंचे। क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि कोई भी सर्किल के अंदर कोई पॉइंट है, सर्किल के अंदर पॉइंट यही ले लो, यहां से भी हम कोई
टेंजेंट नहीं खींच सकते, कोई भी टेंजेंट हम यहां से भी नहीं खींच सकते। ठीक है, टेंजेंट तो वो होता है जो केवल सर्किल को सटके जाए, लेकिन कोई भी इसमें से कोई भी लाइन ऐसा दिख रहा है जो सर्किल को सटके जा रहा है? नहीं ना, इंटरसेक्ट करके जा रहा है, और एक जगह नहीं दो जगह पे, यहां भी इंटरसेक्ट किया, यहां भी इंटरसेक्ट किया, यहां भी इंटरसेक्ट किया और यहां भी किया। इसमें इसमें देखो, इस लाइन में यहां भी इंटरसेक्ट किया और यहां भी इंटरसेक्ट किया, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि किसी भी सर्किल के अंदर यदि कोई पॉइंट ले ले और इस पॉइंट से कोई लाइन खींचे तो वो टेंजेंट नहीं होगी, क्या होता है? सीकेंट होता है, सीकेंट होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर्किल के अंदर यदि कोई पॉइंट है तो हम वहां से कोई भी टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक कंक्लूजन निकला। तो हम यहां पे कंक्लूजन को लिख सकते हैं, यहां पे कंक्लूजन को क्या लिख सकते हैं हम? ये हमारा केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट क्यों बोले? क्योंकि हमें तीन केस हो सकता है, यदि पॉइंट सर्किल के अंदर हो, यदि पॉइंट सर्किल पे हो, और यदि पॉइंट सर्किल के आउटसाइड हो। तो इनसाइड वाले को हम केस फर्स्ट मानेंगे, ऑन द सर्किल जो पॉइंट रहेगा तो केस सेकंड मानेंगे, और आउट द सर्किल रहेगा तो केस थर्ड मानेंगे। तो हमारा क्या कंक्लूजन निकला? हमारा कंक्लूजन निकला कि देयर इज नो टेंजेंट्स। क्या लिखेंगे हम कंक्लूजन में? ये लिख सकते हैं देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्किल, देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्किल फ्रॉम टू ए सर्किल फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट lying inside the circle, lying inside the circle, यानी कि there is no tangent, कोई भी tangent नहीं होगा to a circle, circle पर from the point lying inside the circle, यदि inside the circle कोई point हो, lie कर रहा है inside the circle, तो यहां से कोई भी tangent हम नहीं खींच सकते हैं, जो भी खींचेंगे सारे के सारे क्या हो जाएगा? सीकेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक केस देख लिए। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है हमारा कि कोई सर्किल है, कोई सर्किल है और सर्किल पे ही कोई पॉइंट ले ले, सर्किल पे ही कोई पॉइंट ले ले, तो यहां से हम एक टेंजेंट खींच सकते हैं जो पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सीकेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सीकेंट, क्योंकि यहां और यहां दो जगह इंटरसेक्ट किया। इसके अलावा कोई भी खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा सीकेंट हो जाएगा, क्योंकि यहां और यहां अदर देन दिस पॉइंट, यहां भी ये क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यदि हम सर्किल पे कोई पॉइंट ले लें तो उसका एक और केवल एक टेंजेंट होता है। ठीक है, तो हम कंक्लूजन पर क्या पहुंचे कि यदि कोई पॉइंट हम सर्किल पे ले लें तो उस पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट को खींचा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा क्या हो गया? टेंजेंट हो गया, लेकिन ये क्या हो गया हमारा? सीकेंट है। क्यों? क्योंकि यहां और यहां दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है सर्किल को। जब सर्किल को कोई लाइन दो जगह इंटरसेक्ट करे तो वो लाइन हमारा क्या कहलाता है? सीकेंट कहलाता है। तो हम कंक्लूजन पे यहां पे ये पहुंचे हैं, इसको मिटा देते हैं, हम कल ये कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि यदि कोई सर्किल है, ठीक है, इस सर्किल के आउटसाइड ऑन द सर्किल एक पॉइंट ले लेते हैं, सर्किल पर एक पॉइंट ले लेते हैं तो इस पॉइंट से होके एक टेंजेंट को खींचा जा सकता है, एक टेंजेंट को खींचा जा सकता है। टेंजेंट क्या है? जो सर्किल को सट के जाए, बिल्कुल टच करके जाए सर्किल को। इसके अलावा कोई भी लाइन खींचेंगे तो सर्किल को, सॉरी
इसके अलावा कोई भी लाइन खींचेंगे सर्किल को सट के नहीं जाएगा, क्या करके जाएगा, इंटरसेक्ट करके जाएगा। नहीं, यहां भी इंटरसेक्ट किया और यहां भी इंटरसेक्ट किया, और ये जो पॉइंट, ये जो लाइन था हमारा, केवल एक जगह इंटरसेक्ट करके जा रहा है सर्किल को, एक ही जगह पर टच करके जा रहा है, एक ही जगह काट के जा रहा है। लेकिन ये लाइन क्या है, यहां भी कट रहा है और यहां भी काट रहा है। कोई और लाइन ले लो तो यहां भी काट रहा है और यहां भी काट रहा है। कोई और लाइन ले लो तो यहां भी काट रहा है और यहां भी काट रहा है। कोई और लाइन ले लो तो यहां भी काट रहा है और यहां भी काट रहा है। इसका मतलब है कि सारे क्या हो गए हमारे, सीकेंट हो गए। ठीक है, दो जगह यदि काटता है सर्किल को तो क्या कहलाता है, वो लाइन सीकेंट कहलाता है। लेकिन जो एक ही जगह सर्किल के केवल एक जगह पर टच करे उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, टेंजेंट नाम देते हैं। ठीक है, तो ये टेंजेंट कहलाता है। तो हम क्या कंक्लूजन पर निकले, हम ये कंक्लूजन पर निकले कि देयर इज ओनली वन टेंजेंट। ठीक है, देयर इज ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्किल। दूसरा कलर ले लें। तो केस सेकंड में हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि केवल और केवल एक ही टेंजेंट है सर्किल पे। ठीक है, जो ऑन द सर्किल यदि पॉइंट हो उसके होके जाता हो, तो लिखेंगे देयर इज ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्किल। देयर इज ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्किल थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल। यदि सर्किल पे ही वो पॉइंट लाई करता है, कोई पॉइंट केवल सर्किल पे ही लाई करता है, तो इस पॉइंट से ओनली वन टेंजेंट को खींचा जा सकता है। इसके अलावा जितने भी होंगे वो क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट से होके सीकेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं हमारा केस नंबर थर्ड क्या है। केस नंबर थर्ड, हमने तो पहला केस ले लिया कि इनसाइड द सर्किल हो तो टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता, ऑन द सर्किल हो तो एक टेंजेंट खींचा जा सकता है। अब हम केस नंबर थर्ड देखते हैं कि यदि आउट द सर्किल हो, यदि यह सर्किल है और इस सर्किल के बाहर में कोई पॉइंट है, इससे यदि हमें टेंजेंट खींचना है तो देखते हैं। देखो कोई भी खींच दो, कहीं से भी खींच दो, इस पर विचार करो गहराई से। देखो कि इस पॉइंट से, मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, ठीक है, पॉइंट पी से हम इस सर्किल पे कितने टेंजेंट खींच सकते हैं। टेंजेंट वो होता है जो केवल सर्किल को टच करके जाए। तो देखो यहां से, सॉरी टेढ़ा मेरा हो रहा है, सीधा खींचना। तो ये एक टच करते हुए जा रहा है इधर और ये एक टच करते हुए जा रहा है इधर, यानी कि सर्किल को टच करने वाला केवल और केवल दो लाइन, इस सर्किल को टच करने वाला केवल और केवल दो लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। बाकी ये सारे जो भी लाइन आ रहे हैं ये क्या है, ये हमारे सीकेंट है, ये क्या है, सीकेंट है, ये क्या है, सीकेंट है, ये सब सारे सीकेंट है, बिकॉज दो जगह पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है सर्किल को। ठीक है, तो हम ये केस नंबर थर्ड में ये देख रहे हैं कि यदि आउटसाइड द सर्किल हम कोई पॉइंट ले लें तो आउटसाइड द सर्किल से हमें टू टेंजेंट हमें मिलता है, दो टेंजेंट मिलता है। ठीक है, तो आउटसाइड द सर्किल कितने टेंजेंट आएंगे, तो दो टेंजेंट आएंगे। तो इसका हम कंक्लूड करके लाइन लिख सकते हैं। ठीक है,
कि यदि कोई सर्किल है, यदि कोई सर्किल है और इस सर्किल के बाहर में, यदि कोई सर्किल है और इस सर्किल के बाहर में कोई पॉइंट ले लें P पॉइंट, तो इस P पॉइंट से, इस P पॉइंट से सर्किल पे केवल और केवल कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, ठीक है। जो मान लेते हो कि यहाँ पे टच कर रहा है O पे, मान लेते यहाँ टच कर रहा है R पे, तो दो टेंजेंट मुझे मिला, कौन सी, PO, P से लेके O तक एक टेंजेंट है और दूसरा टेंजेंट P से लेके R तक है, दूसरा हो गया हमारा P से लेके R तक, ठीक है। यानी कि दो टेंजेंट हमारा ये और ये, ठीक है दोस्तों। तो हमने ये देखा, यदि आउटसाइड द सर्किल रख दे कोई पॉइंट, तो केवल और केवल दो ही टेंजेंट को खींचे जा सकते हैं। तो केस थर्ड को कंक्लूड करके ये लिख सकते हैं कि there are two tangents to a circle through the point lying outside the circle, मतलब सर्किल के आउटसाइड में अगर पॉइंट लाई कर रहा है, तो उस पॉइंट को थ्रो, उस पॉइंट से हम कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, टू टेंजेंट को खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कोई पॉइंट सर्किल के इनसाइड हो तो कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, सर्किल के इनसाइड हो तो कोई भी टेंजेंट को नहीं खींच सकते हैं। यदि सर्किल के इनसाइड कोई पॉइंट होगा तो टेंजेंट खींच सकते हैं क्या, टेंजेंट नहीं खींच सकते। यदि ऑन द सर्किल कोई पॉइंट है तो टेंजेंट खींच सकते हैं, टेंजेंट खींच सकते हैं, बिल्कुल यस खींच सकते हैं। और कितने टेंजेंट होंगे, तो वन टेंजेंट होंगे। और यदि आउटसाइड द सर्किल, यदि पॉइंट आउटसाइड द सर्किल हो तो टेंजेंट खींच सकते हैं, और कितने टेंजेंट होंगे, टू टेंजेंट होंगे, ठीक है। ये आउटसाइड द सर्किल पॉइंट लिए तो दो टेंजेंट, यदि हम ऑन द सर्किल लेंगे तो केवल एक टेंजेंट, और इन द सर्किल लेंगे तो कोई भी टेंजेंट नहीं खींच सकते, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टेंजेंट्स। अब हम ये देखते हैं कि ये टेंजेंट जो है, दो टेंजेंट है, इन दोनों टेंजेंट की मेजरमेंट क्या होगी, दोनों टेंजेंट सेम मेजरमेंट की होगी या सेम मेजरमेंट की नहीं होगी, ठीक है। तो थ्योरम हमारा 10.2 है, 10.2 थ्योरम में कहता है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट आर सेम, यानी कि दोनों जो हमारा टेंजेंट है ये दोनों सेम होता है। तो ये हम नेक्स्ट थ्योरम में देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारा 10.2 आता है, जो 10.2 कहता है, क्या कहता है देखते हैं। तो दोस्तों थ्योरम 10.2 अब हम करने जा रहे हैं, 10.2 है द टेंजेंट्स द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, जो टेंजेंट्स का लेंथ होगा ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं टू ए सर्किल आर इक्वल, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि अगर हम कोई सर्किल है, अगर मेरे पास और तेरा हो गया, एक सर्किल बनाओ, ठीक है, ये एक सर्किल है और इस सर्किल के एक्सटर्नल में कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स का लेंथ ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल
पॉइंट जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लेते हैं कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट हमारा क्या है, पी है, ठीक है, यहां से हम टेंजेंट को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो टेंजेंट केवल टच करते हुए जाना चाहिए इस पॉइंट तक, ठीक है, तो ये हमारा टेंजेंट है और एक हम एक टेंजेंट टेढ़ा क्यों हो रहा है भाई, एक टेंजेंट ये, ठीक है, तो कह रहा है कि जो टेंजेंट मान लेते हैं कि ये ओ पॉइंट, मान लेते हैं ये किस पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे, और मान लेते हैं कि ये आर पॉइंट पे, ठीक है, इसका सेंटर, सर्किल का सेंटर मान लेते हैं कि ओ है, ठीक है, तो कह रहा है द टेंजेंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यदि हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं टू ए सर्किल, एक सर्किल पे आर इक्वल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है दोस्तों, तो ये थ्योरम हमारा कहलाता है 10.2। तो 10.2 थ्योरम को प्रूफ करने के लिए प्रूफ करते हैं, ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि हम ओ को क्यू से मिला देंगे, ठीक है, और ओ को आर से मिला देंगे, ठीक है, और ओ को पी से मिला देंगे, ठीक है, अब हम यहां क्या देख रहे हैं, हम थ्योरम 10.1 पर चुके हैं, 10.1 थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी टेंजेंट पे रेडियस क्या होता है, राइट एंगल होता है, किसी भी टेंजेंट पे रेडियस, ये क्या है हमारा रेडियस है ना, ये सर्किल का क्या है, रेडियस है, रेडियस जो है टेंजेंट पे राइट एंगल बनाता है, सेम एज यहां भी ये टेंजेंट है और इस पे ये क्या है, रेडियस है, ये भी क्या बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा, ठीक है, और हमने क्या किया, ओ को पी से मिलाया, ओ को पी से मिलाया, तो हम प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ में हमारा गिवन क्या है, तो हमारे पास गिवन है वी आर गिवन अ सर्किल, हमारे पास एक सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, वी आर गिवन अ सर्किल विथ सेंटर ओ, वी आर गिवन अ सर्किल विथ सेंटर ओ, ओ सेंटर का हमारे पास एक सर्किल दिया हुआ था, ठीक है, एंड दो टेंजेंट दिया हुआ था पी क्यू, एंड टेंजेंट्स पी क्यू, एंड क्या दिया हुआ है, पी क्यू एंड पी आर, यही दिया हुआ था, ये हमारा दिया हुआ था टू टेंजेंट, ठीक है, ये कहां से था, पी क्यू एंड पी आर, ये हमारा दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किए हैं, ड्रॉन किए हैं किसको, इसको, अब इसको प्रूफ करने के लिए फॉर दिस क्या किया हमने, ओ को क्यू से मिलाया, यही किया ना हमने, क्या किए, आई ज्वाइंड मैंने मिलाया ओ को क्यू से, ओ क्यू, ओ को आर से मिलाया एंड ओ को पी से मिलाया, ओ को पी से मिलाया, ओ को पी से मिलाया, ये सारे मिलाने के बाद हमें क्या मिल रहा है, ये सारे मिलाने के बाद हमें एंगल ये और एंगल ये मिल रहा है, ठीक है, कौन कौन सा एंगल मिल रहा है, तो ओ क्यू पी, ओ को ओ क्यू पी एंड ओ आर पी, देन एंगल ओ क्यू पी एंड एंगल ओ आर पी
आर राइट एंगल, राइट एंगल बिकॉज 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 फ्रॉम थ्योरम 10.1 10.1 में हमने ये देखा था कि टेंजेंट पे यदि कोई रेडियस एंगल बनाता है कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो क्या होता है राइट एंगल होता है। ठीक है, तो हमने यहां क्या लिख दिया है कि एंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी एंड ओ आर पी आर राइट एंगल, ओ आर पी आर राइट एंगल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल राइट एंगल है। क्यों? बिकॉज फ्रॉम थ्योरम 10.1 से हमारा ये दोनों क्या हो गया राइट एंगल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये राइट एंगल हो गया तो ये यहां पे हमारे पास क्या दिख रहा है, दो ट्रायंगल दिख रहा है, कौन कौन से, ओ क्यू पी ये एक ट्रायंगल दिख रहा है एंड ओ आर पी ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, और दोनों ट्रायंगल कैसा है राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये हमारा दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। यदि राइट एंगल ट्रायंगल दो दिख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। तो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल देन नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी ये ट्रायंगल एंड ओ आर पी, ओ आर पी हम क्या देख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं कि ओ से लेके क्यू तक की दूरी और ओ से लेके आर तक की दूरी दोनों क्या है सेम है। क्यों सेम है भाई, क्योंकि दोनों क्या है सेम सर्किल का रेडियस, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, जितने भी रेडियस होते हैं सब क्या होते हैं आपस में दोनों की जो मेजरमेंट होती है वो क्या होती है सेम होती है। ठीक है, तो हम यहां पे ये देख रहे हैं कि ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, क्यों भाई क्यों दोनों सेम हो गया, बिकॉज बिकॉज बोथ आर रेडिया ऑफ द सेम सर्किल, बोथ आर रेडिया ऑफ द सेम सर्किल, दोनों क्या है सेम सर्किल की रेडियस है। ठीक है, और ये देखो इस ट्रायंगल में भी ओ से लेकर पी तक की ये साइड है और इस ट्रायंगल में भी ये साइड क्या है कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल के लिए ये साइड क्या आपस में सेम है ना, ओ से लेकर पी तक की दूरी इस ट्रायंगल में भी है ये साइड एंड ओ से लेकर पी तक की दूरी इस ट्रायंगल में भी है, यानी कि ओ पी इक्वल टू ओ पी बोथ दोनों ट्रायंगल में ओ पी इक्वल टू ओ पी बिकॉज बिकॉज बोथ आर कॉमन साइड, बिकॉज बोथ आर कॉमन साइड्स इन बोथ ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल में क्या है ये साइड क्या है कॉमन है। ठीक है, और हम क्या देख रहे हैं इस ट्रायंगल में भी एक 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल में भी एक 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल दोनों में है। तो किसी भी दो ट्रायंगल में यदि कोई दो ट्रायंगल में यदि कोई दो ट्रायंगल में दोनों में यदि दोनों ट्रायंगल अगर राइट एंगल हो दोनों ट्रायंगल में एक राइट एंगल हो और हम क्या देख रहे हैं और
हाइपोटेनस, ये देखो यहाँ राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाला ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ये क्या है हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस ये क्या है, दोनों ट्रायंगल का सेम है, इस ट्रायंगल में भी ये हाइपोटेनस था और इस ट्रायंगल में भी यही हाइपोटेनस था, तो ये दोनों हाइपोटेनस क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। फिर एक साइड ये देखो ये रेडियस था ना, ये एंड ये सेम हो गया। किसी भी दो ट्रायंगल में यदि दोनों ट्रायंगल राइट एंगल हो और उसका हाइपोटेनस सेम हो और ये दोनों बचे हुए साइड में से एक साइड सेम हो जाए तो ये ट्रायंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो क्या होता है, कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हो जाते हैं, यानी कि हाइपोटेनस हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएंगे, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के इक्वल और बेस बेस के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ये जो ट्रायंगल है ये भी राइट एंगल और ये जो ट्रायंगल है ये भी राइट एंगल, दोनों का क्या हुआ, राइट एंगल के सामने वाला ये हाइपोटेनस ये और इसके राइट एंगल का हाइपोटेनस ये, यानी कि हाइपोटेनस भी दोनों ट्रायंगल में सेम है और दोनों का ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये भी सेम है। तो हमारा ट्रायंगल ये एंड ये क्या हो गए, कंग्रुएंट हो गए। देयरफोर ट्रायंगल ओ क्यू पी कंग्रुएंट्स ट्रायंगल ओ आर पी। जब कंग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों में तो कॉमन था, इक्वल था, ये दोनों इक्वल ही है, अब बच गया कोरस्पोंडिंग साइड ये और ये, यानी कि ओ से लेके पी तक एंड पी से आर से लेके पी तक ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। हेंस क्यू पी इक्वल टू आर पी, ये जो है ये और ये क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्यू से लेके पी तक एंड आर से लेके पी तक आर पी दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। यही हमें प्रूफ करना था कि जो टेंजेंट्स होते हैं आउटसाइड द जो आउटसाइड द पॉइंट से खींचा जाता है वो दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आज इंट्रोडक्शन ऑफ 10.2 भी कंप्लीट हो गया और थ्योरम 10.2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसको बढ़िया से बार बार रिमाइंड करके देखते हुए इसको समझो और खुद से प्रैक्टिस करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।